झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति रामगढ़ की बैठक सीसीएल के रेस्क्यू भवन नई सराय में बुधवार को रखी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने किया और संचालन विनोद कुमार महतो ने किया। आज की बैठक में विनोद किस्कू ने संबोधन में कहा कि सरकार के विकास से संबंधित जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन सभी विकास योजनाओं से गांव-गांव जाकर प्रत्येक कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक इसके लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला समिति महेश रेस्क्यू भवन में ये रखी गई है। आज हम लोगों ने संगठन का ये मीटिंग था और संगठन में हम लोगों ने काफ़ी निर्णय लिया है, क्योंकि दूर की बाती में हम लोगों ने शहीद सोरेन सोरेन का शहादत दिवस 27 नवंबर 1991 में हम लोग करते आ रहे हैं, उसी को तैयारी को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। काफ़ी हमारे नेता के द्वारा चर्चा पर चर्चा की गई है और काफ़ी जोर शोर के साथ में हम तैयारी भी करेंगे। उसके अलावे इस राज्य के माननीय श्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये जो पूरा योजना आए दिन काफ़ी यहाँ के आम आवाम को दी जा रहे हैं, उस योजना को हम आम आवाम के बीच में गांव टोला में कैसे हम ले जाएं, कैसे सजाएं, उसको ले जाने के लिए उसका भी पूरा तैयारी हम लोगों ने की है और हम लोग पूरे अभियान बनाए हैं पूरे संगठन के तहत कि हम लोग पूरे गांव टोला में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि जो इस सरकार के द्वारा जो योजना लाया गया है वो आपका योजना है और उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे। और चूंकि इस सरकार से बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, बहुत लोगों को भरोसा है इस सरकार से और इस सरकार में उम्मीदें भरोसा इतना लोगों में जागरूकता आ गई है कि एक तरफ ही नहीं पूरे चारों तरफ पूरे झारखंड में सिर्फ हेमंत सोरेन ही कहा जा रहा है और योजना तो इस तरीके से जिले स्तर में पूरे राज्य स्तर में हो रहा है। हमें लगता है कि गिनने पर भी हम लोग भुला जाएंगे। उसी योजना को हम लोग गाँव और टोला पंचायतों में वार्डों में हम लोग आम आवाम तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। भैया विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी है आपके नेतृत्व में, विस्थापन का जहाँ तक मामला है विस्थापन का मामला को हम लोग अपने संगठन की ओर से हम लोग देख रहे हैं और विस्थापन नीति के पहल ये काफ़ी सरकार भी कर रही है और हम लोग जगह जगह पर क्योंकि यहाँ पर झारखंड प्रदेश में जल जंगल जमीन का यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और उस जमीन के तहत ही हम लोग का नाम पहचान है। हम अपना अधिकार लेने के लिए हमारी सरकार कर रही है अपने कार्य को और उसी चीज़ों को हम लोग भी आम आवाम तक हम लोग पहुँचाने काम कर रहे हैं कि रोजगार को लेकर के नौकरी को लेकर के वहाँ से जितने भी वंचित लोग विस्थापित हुए प्रभावित हुए सभी लोगों के लिए हम लोग ये संगठन सोच रही है।